नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। ग्राम पंचायत डाबर में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का मामला उजागर हुआ है। हमारे संवाददाता को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डाबर के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने बिना GST नंबर वाले बिलों को पंचायत में लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान पंचायत में लगने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में लगाया जाता है। इस राशि को किस स्थान पर कितना आम जनता के हित में खर्च करना है, इसका दायित्व तो सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के ऊपर रहता है। लेकिन जानकारी के अनुसार पंचायत में बैठे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने बिना GST वाले बिलों को लगाकर हजारों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। आप फोटो में साफ देख सकते हैं कि बिना GST नंबर वाला यह बिल ग्राम पंचायत डावर के नाम का बना हुआ है। इस बिल में तारीख भी नहीं लिखी हुई है। वहीं बिल में नीचे की ओर आप देख सकते हैं सरपंच गायत्री बाई ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। क्या ग्राम पंचायत डावर के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को बिल में तारीख लिखवाने का ज्ञान नहीं था? यह बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली है व्यक्ति जानबूझकर सरकार को धोखा देकर अपनी दुकान चला रहे हैं। इस पूरे मामले के बारे में हमारे संवाददाता ने जनपद पंचायत विदिशा की CMO वंदना शर्मा से बातचीत की। CMO ने कहा कि टीम ग्राम पंचायत में जाकर जांच करेगी। अगर फर्जी बिल लगाकर रुपयों का गलत दुरुपयोग हुआ है या किसी भी पंचायत में ऐसा मामला सामने आएगा, फिर तत्काल एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से LN चौबे की रिपोर्ट। अभी आपने मुझे पंचायत डाबर का बताया है, ऐसा हो सकता है कि और भी पंचायतों में हो, तो मैं उसको विस्तृत जांच करके और जो आपने मुझे सबूत दिए हैं उसकी मैं उसको पत्र जारी करूंगी और उसके रिकॉर्ड मंगवा करके अपने पोर्टल से दिखवा करके विस्तृत जांच करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और एक पंचायत के नहीं, जिन जिन लोगों ने किया है सबकी और सभी पंचायतों की जाँच होगी। कोई भी आदेश न उनको दिए गए हैं कि बिल लगा करके मोबाइल निकालना है, न मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है, न जनपद से कोई ऐसा निकाला गया है। अगर ऐसी कोई चीज़ है या उसने बिल लगा करके निकाले हैं, दर्पण में दिख रहा है, तो उसका वो स्पष्टीकरण देगा कि आखिर क्यों निकाला है, किस कारण से निकाला है।